हेलो एंड वेलकम टू फूड फाइट, जहाँ पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़। और आज की हमारी सुपर टेस्टी रेसिपी है नो कुक मैंगो कुल्फ़ी। जी हाँ, बिना गैस चलाए हमने बनाई है ये बहुत ही टेस्टी वाली कुल्फ़ी। अब समर्स हैं एंड मैंगो का सीज़न है, तो कुल्फ़ी बनाना तो बनता ही है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैंगो लिया है, जो कि 2 कप दो मैंगो थे, और साथ ही 1 कप मलाई, और उसके साथ ही ये मिल्क पाउडर लिया है मैंने 4 बड़े चम्मच। 4 बड़े चम्मच ही चीनी ली है, और साथ में 1/4 कप के बराबर ये लिया है मिल्क मेड। तो मिल्क मेड बहुत अच्छे से इसमें रिचनेस एंड मिठास लाएगा, और साथ ही चीनी भी मैंने यूज़ की है। अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप सिर्फ मिल्क मेड डाल सकते हो, बट प्रॉपर मतलब कुल्फ़ी अगर खा रहे हो तो थोड़ी तो मिठास बनती ही है, इसलिए चीनी भी मैंने यूज़ की है। और अब क्या करेंगे, मैंगो की हम बनानी है प्यूरी। तो बिना कोई पानी का यूज़ किए हमें सिर्फ मैंगो प्यूरी बनानी है। देखिए इस तरीके से एकदम अच्छे से इसको प्यूरी कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये मलाई। तो मलाई एकदम अच्छे से ताज़ा निकली हुई हमारी दूध की मलाई है, घर की बनी हुई। तो देखिए बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ा, जो हमारे फ्रिज में ऑलरेडी पड़ा था वही मैंने यूज़ किया है। और बस फिर क्या करेंगे, मिल्क मेड इसमें मिला देंगे। काफ़ी अच्छे से मिठास और रिचनेस देगा ये हमारी कुल्फ़ी को, मलाई से बहुत ही अच्छा इसमें एक जो क्रीमी टेक्सचर है वो आएगा। बहुत मतलब मार्केट वाली कुल्फ़ी यहाँ पे बनने जा रही है, वो भी बिना किसी झंझट के, बिना कोई गैस चलाए झटपट से बनने वाली कुल्फ़ी है। तो ज़रूर ट्राई करें इसे। ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है सारी चीज़ें आपस में। और अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर से क्या होगा ना, जितना भी इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ये सोक कर लेगा, और काफ़ी अच्छी रिचनेस आएगी कुल्फ़ी के अंदर। और जितना भी मतलब जैसे होता है ना कुल्फ़ी के ऊपर जो एक आइस सी जम जाती है वो नहीं आएगी, बहुत ही क्रीमी सी आइसक्रीम हमारी यहाँ पर बनेगी। और ये डाल दी हमने चीनी, और इन दोनों को भी अच्छे से स्मूथली ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही एक फ्लफी सा जो बैटर है मतलब मिक्सचर है हमारा वो बनकर तैयार होगा। आपको मैं दिखाती हूँ अभी, देखिए ऐसे एकदम फ्लफी सा बना है। आप चाहें तो इससे अभी डेलगोना लस्सी भी बना सकते हो। जस्ट लस्सी बनाओ और उसके ऊपर इसको फ्लोट करवा लो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये आपको। तो आप थोड़ा सा निकाल के डेलगोना लस्सी भी बना लो, इससे बहुत अच्छी लगेगी। तो बस इसको डाल देंगे एक एयर टाइट कंटेनर में, और अगर आपके पास मोल्ड हैं आइसक्रीम बनाने वाले, कुल्फ़ी बनाने वाले, तो आप उसमें भी इसको जमा सकते हो। और फिर बस 7-8 घंटे के लिए रख देंगे हम इसे फ्रीज़र में। और बस फिर क्या, फिर हमारी कुल्फ़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी वाली यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगी। और आप चाहें तो इसी टाइम पे ना कुछ टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हो इसमें, ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो। मैंने सिंपल रखी है, आप चाहें तो ब्लेंड करते टाइम थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल सकते हो फ्लेवर के लिए, बट मुझे मैंगो मैंगो ही पसंद है। इलायची पाउडर ये सब ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लेवर देना पसंद नहीं है, क्योंकि हम मैंगो कुल्फ़ी खा रहे हैं तो मैंगो ही ज़्यादा पसंद आता है। हाँ थोड़े से मैंगो चंक्स आप डाल सकते हो, और फिर बस मिक्स कर दें मैंगो चंक्स डाल के, और फिर बीच बीच में मैंगो का और ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मैंगो कुल्फ़ी हमारी जो है वो बनकर एकदम तैयार है। इसको मैं पूरा एक साथ निकाल लूँगी और फिर इसके टुकड़े करेंगे हम। तो ये लीजिए देखिए कितनी क्रीमी सी हमारी कुल्फ़ी, देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई है, बहुत अच्छे से सेट हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो बस एक चाकू लिया मैंने और बस इसको काट दिया, बहुत ही मतलब टेस्टी वाली बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करना इसको, और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। 5 मिनट में सारे इंग्रेडिएंट्स आप ब्लेंड करके तैयार कर लेते हो। हाँ जमने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो तो नॉर्मली हर कुल्फी को लगता ही है। और ये लीजिए गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी हैं, और बस फिर क्या, फिर तैयार है हमारी कुल्फी। तो ज़रूर बनाएं, और इसे अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।